हेलो फ्रेंड्स, सेल्फ गाइड स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ राजनीति शास्त्र अध्ययन के बारे में, जो कि ये सीरीज का 11वां अध्याय होगा। और यहाँ से आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर मिलते हैं जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और यहाँ देखिए, मैंने दिखा दिया है कि कहाँ कहाँ पर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये स्टेट लेवल से लेकर सेंट्रल लेवल तक के यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। आइए चलिए देखते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो यहाँ देखिए, मैंने पिछले अध्याय में आपको राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर करता है, यहाँ तक मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक गुजारिश करना चाहूँगा कि आप लोग मेरे वीडियो को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन होगा जो कि लाल रंग का होगा, उसे दबा कर आप कर दीजिए। और इसके बाद एक बेल का आइकन आएगा, उस पर क्लिक कर दीजिएगा। तो इससे ये होगा कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा वो आप तक आसानी से पहुँच जाएंगे। तो आइए चलिए देखते हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो यहाँ देखिए है आज का पहला क्वेश्चन, जो कि 44वें संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 352 के अधीन घोषणा संपूर्ण भारत में या उसके किसी भाग में भी की जा सकती है। तो अनुच्छेद 352 में क्या है, मैं पिछले अध्याय में आपको बताया था यहाँ पर कि राष्ट्रपति आपात से संबंधित है अनुच्छेद 352। ठीक है, तो राष्ट्रीय आपात से संबंधित घोषणा किया जा सकता है 352, और ये 44वें संशोधन के द्वारा किया गया था। और इसके बाद देखिए है, राष्ट्रीय आपात के समय राज्य सरकार निलंबित नहीं की जाती है, ठीक है, बल्कि वह संघ की कार्यपालिका के पूर्ण नियंत्रण में आ जाती है। ये मतलब पूरा जो भी नियंत्रण होता है उस पर सिर्फ संघ की केंद्रीय मंत्रिमंडल के ही अंडर में वो आ जाती है। ठीक है, इसके बाद अगला देखिए है, राष्ट्रपति द्वारा की गई आपात की घोषणा 1 माह तक प्रवर्तन में रहती है, और यदि इस दौरान इसे संसद के 2/3 बहुमत से अनुमोदित करवा लिया जाता है तो वह 6 माह तक प्रवर्तन में रहती है। ठीक है, और संसद पुनः इसे 1 बार में 6 महीने तक बढ़ा सकती है। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि राष्ट्रपति द्वारा की गई जो भी आपात की घोषणा होती है वो 1 माह तक प्रवर्तन में रहती है, और यदि इस दौरान संसद के 2/3 बहुमत इसे का अनुमोदित कर दिया जाता है तो वो 6 माह तक प्रवर्तन में रहती है, और अगर संसद इसे चाहे तो 6 माह तक और भी बढ़ा सकता है। इसके बाद देखिए अगला है, राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त होता है कि वह संविधान के अनुच्छेद 20 और 21 में अधिकारों को क्रियान्वयन के लिए न्यायपालिका की शरण लेने के अधिकार को स्थगित कर देता है। तो यहाँ देखिए है, 20 और 21 अनुच्छेद में क्या था, जो कि अपराध सिद्ध होने वाला से संबंधित अनुच्छेद 20 था, और अनुच्छेद 21 में जो था कि प्राण दैहिक से स्वतंत्रता वाली बात कही गई थी, और दूसरा नंबर की 21 ख में जो था वो शिक्षा से संबंधित बात कही गई थी। तो इसमें यह है कि इन दो अधिकारों के क्रियान्वयन के लिए न्यायपालिका की शरण लेने के अधिकार को स्थगित कर दिया गया है। तो मतलब कि ये दोनों चीज, राष्ट्रपति शासन हो या आपात की स्थिति में, ये दोनों अधिकार नहीं छीने जाएंगे। ठीक है, और इसके बाद देखिए यहाँ पर है, अनुच्छेद 352 के अधीन बाह्य आक्रमण के आधार पर आपात की प्रथम घोषणा चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 ईस्वी को की गई थी। तो पहली बार कब राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई, तो वो 26 अक्टूबर 1962 ईस्वी को की गई थी, जो कि चीनी आक्रमण के समय हुआ था। और इसके बाद देखिए 10 जनवरी 1968 को इस आपात की घोषणा को वापस लिया गया था, मतलब कि ये 6 साल तक करीब चला था आपात की स्थिति बनी हुई थी। इसके बाद देखिए दूसरी बार आपात की घोषणा 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान से युद्ध के समय की गई थी। ये देखिए क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान से युद्ध के समय में दूसरी आपात की घोषणा की गई थी, और तीसरी आपात की घोषणा जो की गई थी वो 26 जून 1975 ईस्वी को आंतरिक गड़बड़ी की आशंका के आधार पर जारी की गई थी, और दूसरी और तीसरी उद्घोषणा को मार्च 1977 में वापस लिया गया था। जो राष्ट्रीय आपात की घोषणा हुई थी दूसरी और तीसरी, वो दोनों को एक ही साथ मार्च 1977 में वापस लिया गया था। ठीक है, और यहाँ पर देखिए दूसरी जो है 3 दिसंबर 1971 से 27 मार्च 1977 तक चल दूसरी आपात की स्थिति घोषणा की गई थी, इतने दिनों तक रहा था,
और ये तीसरी जो है वो 26 जून 1975 को आपात की घोषणा किया गया था, और जो कि 21 मार्च 1977 को वापस लिया गया था, ठीक है। और इसके बाद देखिए, राष्ट्रीय राष्ट्रपति शासन लगने पर बजट संसद द्वारा पेश किया जाता है, ठीक। और राज्य में आपात, यहाँ पर ये देखिए ध्यान देने वाली बात है कि राष्ट्रपति शासन लगने पर बजट संसद द्वारा पेश किया जाता है, मतलब बजट जो पेश होता है वो संसद के द्वारा पेश किया जाता है। और इसके बाद देखिए, राज्य में आपातकाल 2 माह तक लागू रहती है, ठीक, और इससे अधिक के लिए संसद से अनुमति लेनी होगी, तब यह 6 माह तक लागू रहती है। और इसके बाद देखिए, यहाँ है अधिकतम राष्ट्रपति शासन राज्य में 3 वर्ष तक लागू रह सकती है, और इससे अधिक के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है, ठीक। और इस यहाँ पर राष्ट्रपति शासन जो है 3 वर्ष तक लागू रह सकती है, और इससे अधिक अगर कराना है तो संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, तब जाकर इससे अधिक राष्ट्रपति शासन को लागू किया जा सकता है। सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन, देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पंजाब राज्य में अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया गया था, जो कि पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, और वो 1951 ईस्वी में भार्गव मंत्रिमंडल के पतन के कारण लगाया गया था, ठीक है। और इसके बाद देखिए, है सर्वाधिक समय तक अनुच्छेद 356 का प्रयोग पंजाब राज्य में ही रहा था, जो कि 11 मई 1987 से 25 फरवरी 1992 ईस्वी तक रहा था। ये बहुत ज़्यादा समय तक यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा रहा था। और इसके बाद देखिए, है संविधान के अनुच्छेद 110(1) के उपखंड क से 6 तक में बताए गए विषय धन विधेयक के संबंधित है, जो कि अनुच्छेद आप देख रहे हैं यहाँ 110(1) से लेकर ये इसके उपखंड जो हैं क से 6 तक में बताए गए जितने भी नियम हैं वो धन विधेयक से संबंधित है। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो साथ ही साथ लाइक भी करते चलें, और कमेंट करके अपना सुझाव जरूर दें कि आपको कैसा वीडियो लगा, और आप क्या चाहते हैं हमसे कि मैं और क्या आपके लिए बेहतर कर सकूं, तो आप ज़रूर बताएं इसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आगे है, अनुच्छेद 112 वित्त विधेयक से संबंधित है, ये देखिए एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और 112 वित्त विधेयक से संबंधित है। इसके बाद देखिए, सामान्यतः वित्त विधेयक उस विधेयक को कहते हैं जो राजस्व या व्यय संबंधित होता है। तो वित्त विधेयक किसे कहते हैं? तो वित्त विधेयक उस विधेयक को कहते हैं जो राजस्व या व्यय से संबंधित होता है, ठीक है। और वित्त विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसे प्रमाणित करने का अधिकार केवल लोकसभा अध्यक्ष को होता है, ठीक। ये भी पूछा जाता है एग्जाम्स में कि वित्त विधेयक को धन विधेयक है या नहीं, इसे प्रमाणित करने का अधिकार किसे होता है? तो वो लोकसभा अध्यक्ष को होता है। इसके बाद देखिए, धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को केवल सिफारिशें करने का अधिकार होता है। और इसके बाद देखिए, है अगला क्वेश्चन, वो है 15 मार्च 1950 ईस्वी को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा योजना आयोग की स्थापना की गई थी। तो 15 मार्च 1950 ईस्वी को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव, जो प्रस्ताव पारित हुआ था उसके द्वारा योजना आयोग की स्थापना की गई थी, जो कि अब नीति आयोग यहाँ पर हो गया है। और योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। और ये देखिए, योजना आयोग नीति आयोग कब बना है? तो वो 2014 में बना है। योजना आयोग से नीति आयोग दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन नीति आयोग उसका नाम कर दिया गया है, और नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। और इसके बाद देखिए, यहाँ पर है संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है, ठीक है। इसके बाद है, वित्त आयोग के गठन का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। और इसके बाद अगला जो है वो राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243(1) के द्वारा किया जाता है। तो राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के द्वारा किया जाता है। और इसके बाद देखिए, आज का अंतिम क्वेश्चन है, जो कि है अनुच्छेद
148 से 151 में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित है। तो इस तरह से आज के टॉप 25 क्वेश्चन समाप्त हुए। इससे बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं, तो आप लोग प्लीज़ इसे 2-3 बार जरूर वीडियो देखिएगा, ताकि आप सबको किसी भी एग्जाम्स में इसका फायदा मिल सके। और अगर आप सबको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। धन्यवाद।